हर बार मंच पे आए माफी मंगवाओ कि हमारे सामने खड़े होकर आपने ऐसी उल्टी सुलटी बातें, आपने ऐसी हल्की बातें कैसे कर डाली। आप माफी मंगवाओ, पूछो इनसे। कोई जिम्मेदारी नहीं होती प्रधानमंत्री की देश के प्रति, कोई जिम्मेदारी नहीं होती जनता के प्रति कि जनता के सामने मंच पे खड़े हो सच बोलो। यही जिम्मेदारी होती है, ये दिल में लेके ये जिम्मेदारी उठाते हैं प्रधानमंत्री। मैंने देखे हैं ऐसे प्रधानमंत्री, और मैं ये नहीं कह रही हूं कि सिर्फ मेरे परिवार के सदस्य थे। हाँ, इंदिरा जी थी, मर गई देश के लिए, शहीद हो गई देश के लिए। हाँ, राजीव जी थे, टुकड़ों में घर लाई मैं उनको, शहीद हो गए इस देश के लिए। लेकिन मनमोहन सिंह जी भी थे जो क्रांति लाए इस देश में। कांग्रेस पार्टी को ना देखे तो वाजपेयी जी भी थे जो सभ्य इंसान थे कम से कम। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि यह देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है, जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए। इन्होंने कितनी गाली दी हमारे परिवार को, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। किसी को नहीं छोड़ा, माँ को नहीं छोड़ा, पिता को नहीं छोड़ा, दादी को नहीं छोड़ा, दादा को नहीं छोड़ा, परदादा को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, पति को नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं करते रहे। 56 इंच का इनका सीना नहीं है, इनका सीना नहीं है, लोहे के सीने हैं हमारे। करते रहे, लेकिन देश के सामने इस तरह के झूठ बोलना, इस स्तर पे आना देश के सामने कि कोई राजनीतिक दल आके एक्सरे लेकर आपके घर में घुस के, मतलब मजाक की बात है। तो मैं सिर्फ एक आग्रह करने आई हूं आपसे कि इस बार जो आपका वोट है ना, वो किसी नेता के पक्ष में नहीं, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं, ये वोट आपका वोट है। अपने देश को दो, इंडिया को दो। गठबंधन का नाम भी इंडिया है, लेकिन आप सोचिए, ये आपका देश है, ये आपका देश है। अपने देश को अपने दिल में रखो, समझो कि आज वो पल आ गया है कि आपको अपने आगे देखना है, सिर्फ अपना नहीं, सिर्फ अपने परिवार का नहीं, अपने गांव का नहीं, अपने घर का नहीं, अपने शहर का नहीं, अपने प्रदेश का नहीं, अब अपने देश के बारे में सोचो। ये देश है, देश ने जीवन दिया है, देश ने सब कुछ दिया है आपको और हमको। ये जो वोट है इतना कीमती है, इसको व्यर्थ मत करो, व्यर्थ मत करो। ऐसी फिजूल की बातों पे अपना वोट मत दो। वोट अपना है अपने काम पे दो, रोजगार पे दो। महंगाई बढ़ रही है उसको कम करने के लिए दो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए दो, महिलाएं अपने पैरों पे खड़े हो उसके लिए दो, आदिवासियों के लिए क्या करेगी सरकार उसके लिए दो, दलितों के लिए क्या करेगी सरकार उसके लिए दो। ये वोट देश की जनता के लिए जाना चाहिए। गलत फहमी में मत होना, सब आपके हाथों में है, किसी एक नेता के हाथ में नहीं है, सब आपके हाथों में है। इस बात को समझिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, और इस चुनाव में ऐसा वोट दीजिए कि इस देश में जो सरकार है वो बदल जाए और आपका भविष्य उसके साथ बदल जाए। बहुत लंबी बातें कर ली मैंने धूप में, सही बोला कि नहीं? सही बोला, याद रहेगी बातें। जब पोलिंग में जाओगे आप अपना वोट डालने, 2 मिनट के लिए रुक के सोचो कि ये वोट किस लिए है। और याद रखो कि जब कांग्रेस को वोट डालोगे तो अपने ही पक्ष में अपने लिए वोट डाल रहे हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत गर्मी में मेरी बातें सुनी। जय हिंद, एक बार जोर से मेरे साथ, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।